हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। चलिए आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे क्वेश्चन करने वाले हैं। घातांक और करणी जो हमने कल पढ़ा था इंडिसेस और सर्ट पे, तो उसका कुछ मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, चार पांच क्वेश्चन करेंगे, जब ध्यान से देखिएगा। और इसका ज्यादातर क्वेश्चन हम सिंप्लीफिकेशन जब पढ़ेंगे ना, तब हम करेंगे। तो ये इंडिसेस और सर्ट में जो कुछ क्वेश्चन है, 2 सेकंड में आप करेंगे। मैंने तो 5 सेकंड लिखा है यहां पर, लेकिन सिर्फ 2 सेकंड में आप क्वेश्चन करेंगे। बस फैक्टर करने आना चाहिए आपको। तो कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन आपके लिए है। ये क्वेश्चन 3 जो यहां पर दिख रहा है आपको, ये क्वेश्चन के आंसर आप टाइप करेंगे और प्लीज टाइप करेंगे। अगर आपको ऑनेस्टली समझ में आ जाता है ना, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इसके आंसर आप 3, 4, 5 के टाइप करेंगे, ठीक है। उससे पहले अभी समझते हैं हम 5 क्वेश्चन करने वाला। देखिए जरा इनको चुटकी में हम कैसे क्वेश्चन करेंगे। आप 10 सेकंड में इन तीनों के आंसर देंगे। और आपको मैं बता दूं, ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। 3 क्वेश्चन यहां, 2 क्वेश्चन यहां, सारे के सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ये 5 क्वेश्चन करने में आपको 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। जो हमने कल बताया था वो वीडियो आप जाकर देखिए, घातांक और करणी का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही छोटा वीडियो है, तो पूरा देखिए वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी फायदा मिल सके। तो आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी निकेतन का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये देखिए रूट 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 फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो यहां रूट ही रूट दिख रही है। और ये कहां तक चला जा रहा है, इन्फिनिटी तक। तो पहले मैं इसको सिंपल तरीका से आपको सोल्यूशन बताता हूं कि इसका आंसर क्या होगा, फिर इसको हम एलाबोरेट करेंगे, ठीक है। तो अगर कोई भी नंबर, 9 तो ठीक है, 9 तो आप कहेंगे कि सर 9 तो ऐसे ही 3 इसका होता है, तो आप 9 की जगह पर कोई और नंबर ले लीजिए, ठीक है। हमने कर दिया कि अब हमने नंबर को बदल दिया, हमने 8 से हमने नंबर को बदल दिया जी 8 से, ठीक है। 9 तो ऐसे ही परफेक्ट स्क्वायर है, चलिए हमने इसको 8 से बदल दिया। अब 8 का क्या होगा, या फिर कोई भी नंबर, आप कोई प्राइम नंबर ले लीजिए, ठीक है, क्या होगा। तो एक तो इसको हम तरीके से करेंगे, लेकिन आपको बता दूं कि अगर कोई नंबर रूट में रिपीटेड है, रूट अंडर एट ऐसे चलते रहे, और ये ध्यान दीजिएगा इन्फिनिटी तक जाता है, तो इसको आंख बंद करके आप आंसर 8 मान लीजिए। मतलब जो आपके रूट के अंदर होंगे वही आंसर होंगे, बिल्कुल। अभी मैं करके भी बताने वाला हूं आपको, क्लियर है, क्लियर है। तो कोई भी नंबर, अब कहेंगे कि सर ये इन्फिनिटी में ही रहेगा, तो एन तक रहेगा, तो एम तक रहेगा, तो टेंथ तक रहेगा, तो कहीं किसी ने ऐसा ऐसा 10 है, मैं उस पर क्वेश्चन करने वाला हूं, ठीक है, उसको भी बताऊंगा। पहले आप ये समझिए कि कोई रूट के अंदर रिपीटेड है और वो इन्फिनिटी तक जा रहा है। इन्फिनिटी मतलब अनडिफाइंड है ना, मतलब ये कहां तक है। देखिए इन्फिनिटी एक समंदर होगी, आप समंदर में से एक ग्लास पानी निकाल लीजिए, एक लोटा पानी निकाल लीजिए, आज एक नदी निकाल लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। चार नदी तो मतलब उसमें सैकड़ों हजारों थाउजेंड नदी ऐसे ही गिर रही है, उसमें एक नदी और बढ़ जाएगी, गिर जाएगी, तो क्या दिक्कत है। तो उसके मतलब कैपेसिटी पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, दैट्स मतलब आप रिलेट कर सकते हैं इन्फिनिटी को। इन्फिनिटी में से 1, 2, 4 हटा देते हैं, 2, 4 डाल देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इन्फिनिटी ही रहती है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि इस रूट में अगर आप रिपीटेड है, कोई भी नंबर हो, कोई प्राइम नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, कोई भी नंबर हो, आपको पता है निगेटिव छोड़ दीजिएगा ना, होल नंबर में निगेटिव आती है, बता चुका हूं पहला ही लेक्चर में। और कोई भी नंबर रूट के अंदर निगेटिव नहीं हो सकता, क्लियर है ना। क्यों, जब हम रूट लिखते हैं तो रूट के साथ हम लिखते हैं, अगर रूट ए है, ठीक है, तो रूट ए सिर्फ नहीं लिखा जाता। कई बच्चे गलती कर बैठते हैं कि सर क्या हम इसको लिख सकते हैं रूट अंडर प्लस माइनस ए, बिल्कुल गलत है। प्लस ए तो लिख सकते हैं हम, माइनस रूट के अंदर नहीं जाती। क्यों, क्योंकि जब हम नंबर को डिफाइन कर रहे थे तो पहला ही हमने डिफाइन किया था रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। और मैंने उस समय बताया था कि इमेजिनरी नंबर जो होती है उसमें हम माइनस आई लिखते हैं, याद होगा आपको, आई लिखते हैं, आई किसको लिखते हैं, -1, रूट अंडर -1 को आई लिखते हैं, पढ़ा होगा आपने, आई लिखते हैं इसको रूट अंडर -1 को, ये इमेजिनरी नंबर है। और हमारे सिलेबस में इमेजिनरी नंबर पढ़ना नहीं है, हम रियल नंबर को ही पढ़ते हैं, तो माइनस नहीं रूट के अंदर जाता है, क्लियर रखिए दिमाग में, बिल्कुल बिठा लीजिए। इसलिए हम लिखते हैं प्लस माइनस रूट अंडर ए, मतलब ये प्लस माइनस तो हम लिखते हैं। आप कहेंगे नहीं सर आप तो गलत बता रहे हैं, क्योंकि हम तो मतलब रूट से जब फ्री होता है तो प्लस माइनस, बिल्कुल सही, मतलब रूट से फ्री होने के बाद वो प्लस माइनस लिखाता है, एक्चुअली ऐसा नहीं है। कुछ चीजें हिडन होती है जो हम समझ नहीं पाते, वो जब भी आप रूट लिखे ना तो रूट के सामने आप प्लस और माइनस लिखेंगे, ना कि अब 16 है, ठीक है, यहां लिखा हुआ है 16 का मतलब आप कहेंगे कि सर प्लस माइनस 4, नहीं ये गलत है, रूट 16 का मतलब 4 ही होता है प्लस में। हाँ ये रूट है, रूट के आगे प्लस माइनस लगा हुआ रहता है,
क्लियर है? बिल्कुल, ये छोटी सी बात है लेकिन आप बड़े बड़े गलतियां कर सकते हैं इसमें, ठीक है? तो इसको नोट कीजिएगा। चलिए एक एक क्वेश्चन करके करते हैं, आगे बढ़ते हैं, पुश इट आउट, ठीक है? तो इसका मैंने बताया, अब ऐसे कोई भी एग्जांपल लीजिए, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाइए, ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आप कोई भी बुक उठाइए, ऐसे जितने भी क्वेश्चन है ना, जैसे मैंने लिखा सेवन रूट सेवन रूट सेवन रूट सेवन इन्फिनिटी तक, ठीक है? तो इसका वैल्यू आंख बंद करके आंसर मान लीजिए सेवन, 100% करेक्ट, ठीक है? अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए इसका फिर हम एनालिटिकल मेथड भी बताएंगे आपको, तो आप पहले इसको देखिए। अब 12 रूट अंडर है, 12 प्लस 12 प्लस 12 ऐसे रूट के अंदर चला जाएगा और ये क्या है, प्लस में है, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, यहां प्लस में है, ठीक है, और यहां माइनस में है, दोनों को मैं एक ही क्वेश्चन में बता दूंगा, एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो आप इसका सीधा फंडा ये याद कीजिए कि इनको दो नजदीकी फैक्टर तोड़ दीजिए आप, 12 को 4 और 3 में तोड़ दिया, ध्यान रखिए दोनों नजदीक में टूटना चाहिए, नहीं 6 × 12 नहीं तोड़ सकते आप, ठीक है? 6 × 2 नहीं तोड़ सकते आप, 4 × 3 तोड़ दिया हमने। अब अगर ये प्लस में, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, ये प्लस है तो प्लस है तो बड़ा वाला साइन, मतलब बड़ा वाला नंबर ले लेंगे। हमने पहले क्या किया, 12 को उठाया और इसको दो भागों में तोड़ दिया, 4 × 3। अब ये प्लस है तो यहां पर हमने बड़ा वाला लेना है, और इसी क्वेश्चन में अगर माइनस होता, मतलब माइनस 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 होता, तो फिर हमें छोटा वाला नंबर लेना। क्लियर है? बहुत ही आसान है। अब देखिए क्वेश्चन आपको छपा हुआ मिला 12, आपके दिमाग में आया 4 × 3, ठीक है, प्लस है तो 12 को बड़ा वाला लेंगे तो 4, कितना सेकंड लगा, ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड। क्लियर है? और ये क्वेश्चन पूरे 2 नंबर देखे जाएंगे आपको, ठीक है? ठीक है, इसको भी हम मैनुअली करेंगे, आपको दिखाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से, उसके सहायता से, हेल्प से, ठीक है? तो ये क्लियर हो गया, अगर ये माइनस लगा रहता तो आंसर 3 होता, और यहां पर प्लस चुकी है तो आंसर हो गया बड़ा वाला 4। अब जल्दी से आप बता दीजिए, आपको तो ये पता ही हो गया 30 को तोड़ना है दो नजदीक वाले फैक्टर में, तो आपने तोड़ा 5 × 6 = 36, माइनस है तो छोटा वाला आंसर, ठीक है? इसी क्वेश्चन में अगर मैं बोलता 30 प्लस प्लस में होता तो आप बोलते कि 6 है, बहुत आसान, ठीक है? चलिए दो क्वेश्चन उधर है, उसे ठीक है। चलिए उस बहुत दोनों क्वेश्चन करने से पहले मैं इनको पहले तरीके से आपको बता देता हूं, बहुत ही आसान तरीके है, आप इसको कंसीडर कर लीजिए एक्स, ठीक है, ये जो गिवन है उसको हमने मान लिया एक्स, बहुत ही आसान, ठीक है, हमने एक्स मान लिया। अब हमने कहा कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, एक पार्ट ये हो गया एक पार्ट ये हो गया, मैंने कहा कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो इधर स्क्वायर किया आपने तो एक्स स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू, अब इधर स्क्वायर करेंगे तो एक बार जब स्क्वायर करेंगे तो एक रूट फ्री होगा, क्लियर है ना? एक रूट फ्री हो गया, तो एक रूट फ्री हो गया तो यहां पर आ गया 8√8 ऐसे चलते रहेगा इन्फिनिटी तक। मैंने पहले ही बताया था कि 1, 2 के हट जाने से इन्फिनिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? अब एक बात बताइए, क्या इनकी सकल जैसा मिल रहा है क्या? आप कहेंगे बिल्कुल वही है ना, ये भी तो वही था, 8 8 8 इन्फिनिटी तक, यहां भी दिख रहा 8 8 8 8 इन्फिनिटी तक। तो आपको क्या करना है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8, अब इनके जगह पर क्या आपने कंसिडर किया था एक्स, तो एक्स मान लीजिए, अब एक्स से एक्स कैंसिल आउट, यहां पर 2x है, एक्स स्क्वायर का मतलब 2x है, तो 1x से 1x कैंसिल होता है, आपको पता है इक्वल टू के दोनों तरफ ऊपर ऊपर कटते हैं नीचे नीचे कटते हैं, ठीक है? तो x इज इक्वल टू 8, तो आपको तरीके से लिखने में आ गया है, तो आपको तरीके पता होने चाहिए, अगर आपसे कोई छोटे पूछते हैं तो आपको बनने तो चाहिए, ठीक है? लेकिन आप इतना दिमाग मत लगाइए, फिर सीधा सीधा आंसर लिखिए, या अगर कोई रूट में है और वो इन्फिनिटी तक जा रहा है तो उसका आंसर 8 होगा। चलिए बोलते चल। अच्छा, इसके बाद जो मैंने दो क्वेश्चन किया था 2 और 3, तो ऐसे ही आप एक्स कंसिडर करके आप उसको बनाइए, आंसर वही आएंगे, ठीक है? अगर आपको कोई समस्या होती है उसमें बनाने में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं फिर से उसको सॉल्यूशन करूंगा, ठीक है? चलिए उधर चलते हैं, उसी का। अब देखिए यहां पर देखिए बेस क्या है 7/3, क्वेश्चन कर चुके हैं अपन सर, ठीक है? मैंने बताया था कि a के पावर m इंटू a के पावर n, तो क्या हो जाता है, बेस अगर बराबर है और मल्टीप्लीकेशन में है तो पावर क्या हो जाते हैं, एड हो जाते हैं, m प्लस m, बस इसी पर क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आया हुआ 2 नंबर का सीरियल का क्वेश्चन है, 2 मिनट नहीं लगेंगे आपको, मतलब 20 सेकंड से 25 सेकंड नहीं लगने वाला, देखिए बेस क्या है, इक्वल है तो, और मल्टीप्लीकेशन में तो पावर क्या होंगे, एड हो जाएंगे, तो आप कर लीजिए, लिखिए यहां पर 7/3 के पावर 4 प्लस माइनस 13,
क्लियर है, कोई दिक्कत? क्या था, बेस बराबर है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो 4 प्लस माइनस 13। देखिए हमने प्लस ही करना है, यहां पर माइनस 13 तो माइनस 13 लिख दिया। राइट हैंड साइड इक्वल टू के राइट हैंड साइड जो है उसको एज इट इज लिख दीजिए। उसमें हमें क्या एक्चुअली सवाल पूरा नहीं है, इसमें क्वेश्चन को आपको ये बताना है कि फाइंड एक्स, फाइंड एक्स, एक्स का मान बताइए। ठीक है, एक्स एक वेरिएबल आपको दिख रहा है, एक्स का मान बताना है। अब देखिए, अब दूसरा फॉर्मूला मैंने क्या बताया था कि ए अगर ए के पावर एम इज इक्वल टू बी के पावर, सॉरी ए ही लिख देते हैं, ए के पावर एन है। हमने एग्जाम्पल दिया था कि अगर आपका धड़ और मेरा धड़ दोनों बराबर है, इसका मतलब मेरा सर और आपका सर बराबर होगा। देखिए यहां धड़ को मैंने, ये बेस को मैंने धड़ माना था और पावर को हमने सर माना था, तो यहां देखिए ये बेस दोनों का बराबर है तो इनका धड़ भी, सॉरी पावर भी बराबर होंगे। तो यहां देखिए इनका धड़ बराबर है क्या, है, बेस बराबर है तो पावर भी बराबर होंगे, तब दोनों को इक्वेट कर दीजिए। बहुत ही आसान है, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 प्लस, अब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, 4 माइनस 13। अच्छा, इसको मैंने बताया था कि प्लस माइनस माइनस होता है, साइन किसका रहता है कि बड़े वाला का, तो 13 में से 4 गया 9, लेकिन माइनस 9 क्यों, क्योंकि माइनस साइन है जो 13 का है। ठीक है, अब 2x, फिर एक चीज और कि हमारे सर बताया करते थे कि मतलब जो एक्स के फॉर्म में होता था उसको वो दाल बोलते थे और जो सिर्फ नंबर होता था उसे चावल बोलते थे, तो ठीक है मैं भी वही आपको बताता हूं कि मतलब एक कलर वाले के एक तरफ रखते हैं और दूसरे कलर वाले को दूसरे तरफ रखते हैं। तो माइनस 9 पहले से इधर है, 1 एक नंबर है तो नंबर को हमने उधर लेके चला गया, तो प्लस 1 इक्वल टू के दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस 1। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 10, क्या माइनस 1 और माइनस 9 क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का रहेगा, तो 9 प्लस 1 10 हो गया। अब एक बात बताइए, एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 10 इधर है, अब यहां पर मल्टीप्लिकेशन में है तो मल्टीप्लिकेशन दूसरे तरफ जाता है तो क्या होता है, डिवाइड होता है, तो हमने 2 लिखा 5 से, मतलब x इज इक्वल टू माइनस 5। देखिए ये सिर्फ आपको समझाने के दृष्टिकोण से हमने 3-4 स्टेप लिखा, आप आंसर सीधे सीधे यही कीजिए, क्या कीजिए, बेस देख लिया आपने बराबर है, ये दोनों को एड कर दिए, कितना हुआ माइनस 9, कोई दिक्कत नहीं। अब आपने देखा कि इधर भी बेस वही है, इधर भी बेस वही है, तो ऊपर वाला भी इक्वल होगा, तो इस 1 को उठा करके इधर लेके आ जाइए, तो प्लस 1 है तो माइनस 1 हो जाएगा इधर। ठीक है, माइनस 9 माइनस 1 कितना हो गया, माइनस 10 हो गया। अब ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो गया, मतलब माइनस 5 आपका आंसर हो गया। बहुत ही आसान, क्लियर है। एक और तरीके है इसको, अगर ऑप्शन दिया हुआ है माइनस 5 तो आप देख लीजिए, माइनस 9 इधर हो गए, माइनस 5 इधर डाल के देख लेते, एक दो जो आपके ऑप्शंस होते हैं ना रैंडमली, अगर आप करना चाहते हैं तो आप वहां से भी कर सकते हैं। हर क्वेश्चन को आप, मैंने पहले ही बताया कि आपके तर्कस में हर क्वेश्चन के लिए कम से कम 3 से 4 तीर होने चाहिए। ठीक है, बनिए अर्जुन। चलिए एक क्वेश्चन और है, उसे डाउन इसको करते हैं। देखिए यहां पर, यह देखिए एक डिवाइड का मतलब कौन है, समथिंग पावर ऊपर है, समथिंग पावर नीचे है। देखिए ये क्वेश्चन जब एस टाइप का क्वेश्चन आए ना, तो आप सबसे छोटे वाला नंबर देख लीजिए, यहाँ 81 है, 9 है, 81 है, 3 है, 3 है सबसे छोटा, 3 है, तो आपको सारे नंबर को 3 में कन्वर्ट करने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है, तो 81 का 3 में हम अगर करें तो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 3 81, मतलब कितने बार, 4 बार, तो 3 के पावर कितना हो गया, 4 हो गया 81, 3 के पावर 4 का मतलब 81। ठीक है, 3 के पावर 3 के मतलब 27। ठीक है, तो हमने 4 लिख दिया। अच्छा, फिर उसके पावर भी कितना है, 3.6 है। अब एक बात होती है, कल का जो फॉर्मूला था a के पावर m के पावर n, क्या लिखते थे, a के पावर mn, मल्टीप्लाई कर देते थे सीधे सीधे। ठीक है, करते थे, तो इसका क्या मतलब हो गया, लिख लेते हैं अगली बार फिर करेंगे। अब 9 को भी 3 के पावर करिए, तो 3 के पावर 2 मतलब 9, तो लिखेंगे 3 के पावर 2 के पावर 2.7 लिख दिया हमने। नीचे वाले को भी ऐसे ही करेंगे, 3 के पावर 4 का मतलब 81 के पावर कितना करना है, 4.2 इंटू 3 के पावर 1, कुछ नहीं तो 1, क्लियर है। अब 3 के पावर में इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा जी, 36 × 72 × 140, तो 3 के पावर 72 × 144, ठीक है सॉरी, तो 14.4 हो गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए ना आप, 6×24 = 4, हाथ में रहा 2, 4×12 = 14, और 1 नंबर के बाद डेसिमल है तो डेसिमल 1 नंबर के बाद लगा दिया, फिर मल्टीप्लाई 3 के पावर 27 × 54, 5.4, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको करेंगे तो 4×8, 4×16, तो 3 के पावर 16.8 × 3 के पावर 1। अब देखिए
पिछला क्वेश्चन, बेस बराबर मल्टीप्लाई में तो पावर क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। बेस बराबर मल्टीप्लाई में तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो तीन के पावर क्या हो जाएगा, 14, 5, 19, 19.8 डिवाइडेड बाय, ये क्या होंगे जी, तीन के पावर। देखिए बेस बराबर पावर ऐड, बेस बराबर पावर ऐड क्यों होंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में है। तो तीन के पावर 16 और 1 17, 17.8। अब देखिए यहां पर मैंने ये फॉर्मूला, देखिए हर फॉर्मूले यहां पर यूटिलाइज हो रहे हैं, आप एक बार बस ध्यान से देखिए। a के पावर m बटे b के पावर m लिखते थे ना जी, डिवाइड में होता था तो आप अलग अलग लिख सकते थे, ठीक है। यहां लेकिन एक चीज है, यहां दोनों a और b डिफरेंट था, लेकिन दूसरा फॉर्मूला यह भी लिखवाया था हमने कि a के पावर अगर m है और a के पावर n है तो हम क्या करते थे, डिवाइड में होता था तो इसको हम ले जाकर के माइनस करते थे, तो लिखते थे a के पावर m माइनस n लिखते थे। तो आप इनको ऊपर लेकर के जाइए, माइनस कीजिए, तो तीन बेस बराबर है डिवाइड में है तो माइनस करते हैं, बेस बराबर है मल्टीप्लाई में है तो प्लस करते हैं, क्लियर है। बार बार क्वेश्चन को देखिए, उसको एक बार फॉर्मूले को दिमाग में सेट कर लीजिए, आराम से निकल जाएगा सारे के सारे, ठीक है। आप बिल्कुल 50 में 50 स्कोर करते हैं जो दावा करता हूं उन्होंने, सीजीएल में 50 में 50 करना बिल्कुल लाया जा सकता है, प्रीलिम्स में 50 में 50 आप ला सकते हैं। RRBJEE का जो जूनियर इंजीनियर का है उसमें जो CVT 1 होने वाला है उसमें जो 30 है वो 30 में 30 होंगे आपके, बिल्कुल 30 में 30 होंगे, मैं प्रॉमिस करता हूं, आप बस चलते रहिए साथ में, ठीक है। तीन के पावर ऊपर लेके जाएंगे तो 19.8 में से 17.8 घटेगा तो कितना होगा, 2 होगा, और इसका क्या मतलब होता है, 9, तो इसका आंसर क्या हो गया, 9। देखिए ये बात मुझे आपको बताना पड़ रहा है, समझाना पड़ रहा है, इसलिए मैं 1 से 1.5 मिनट टाइम ले रहा हूं। अगर आप खुद ही करेंगे इस क्वेश्चन को तो मैं जानता हूं 30 सेकंड से ज्यादा इस क्वेश्चन को नहीं देंगे आप। अच्छे क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन में इस टाइप के और क्वेश्चन करेंगे हम, जब हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे, बैंकिंग वालों के लिए तो बहुत जरूरी है वो, हम प्रैक्टिस बहुत करेंगे, ठीक है। आपसे करवत प्रार्थना है, अनुरोध है कि आप इन तीन का आंसर बिल्कुल टाइप करें, अगर हमने जो बताया है उसे समझ में आया होगा तो, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। अब देखिए मैंने एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं मैं आपको, कि मैंने बताया था आपको कि रूट के अंदर, मैं भूला नहीं हूं, रूट के अंदर 7 × 7 × चलिए इतना ही 2 क्वेश्चन है अभी समझा देता हूं मैं, 3 बार है तो क्या करेंगे जी, तो इसका पावर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, कर ही लेते हैं, क्या छोड़ें, इसका पावर क्या हो जाएगा, इस पर कितना रूट है, एक रूट है, तो आप लिखेंगे, एक मिनट पुश इट डाउन, मैं रफ कर लेता हूं, ठीक है। जरा देखिए, अब हमने कल बताया था आपको कि 7 रूट के मतलब क्या होता है, 7 के पावर 1/2, रूट के मतलब ही मैंने बताया था कि 1/2 होता है, ठीक है। अगर यहां पर 3 लिखा होता तो 1/3 हो जाता, यहां पर 4 लगता तो 1/4 हो जाता, क्लियर है। ये हमने कल डिस्कस किया था, कल का वीडियो बिल्कुल देखें आप, कल का वीडियो मैंने एक एक फॉर्मूला को वेरीफाई किया था, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आज जो भी मेरे नए दोस्त आज इस वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लीज उसे जाकर के देखिए पहले, और फिर इसको कीजिए, आप चुटकी में कर लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है, ठीक है। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर बटन जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन इसका मिल जाए, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब था 7 के पावर 1/2, तो ये देखिए ये जरा इस 7 को पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे आप, रूट के अंदर 7, तो 7 के पावर 1/2, इस 7 का मतलब तो ये हो गया। अब यहां देखेंगे आप कि इस 7 पर कितना रूट है, एक रूट ये है और एक रूट ये है, और रूट के पावर रूट तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर, नहीं समझे, मैंने कहा कि एक्स के पावर 1/2 के पावर 1/2 हो तो हम क्या करते हैं, अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था ना कि a के पावर m के पावर n, तो a के पावर आप mn लिखते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वही हमने करना है, 7 के पावर 1/4, 1/2 × 1/2, 1/4। फिर से यहां पर 3 बार आ गया सर, 7 के ऊपर कितने, एक रूट है, एक रूट, 2 रूट, 3 रूट, तो 1/2, 1/2 और 1/2, मतलब 1/8, तो 7 के पावर 1/8, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब एक बात बताइए, बेस बराबर तीनों है, मल्टीप्लाई में है, बिल्कुल है, तो क्या होगा, पावर ऐड हो जाएगा, आपको करने आता है 7 के पावर 1/2 + 1/4 + 1/8। अच्छा आप ये सिंपल सा विन हो गया, विन का आप एडिशन पढ़े हैं तो आपने एलसीएम ले लिया 8, 4 × 8, 4, 2 और 1। अब एक बात बताता हूं इसका सिंपल ट्रिक क्या है, ये तो बेसिक करने का तरीका है। अब आप कहेंगे सर ठीक है, 1, 2, 3 है, 4, 5 है तो हम कर लेंगे, 13, 14 हो गए तो क्या करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है, बताओ आपको लगेगा कितना आसान है, देखिए जितने बार ये रहेंगे, जितना रूट रहेंगे उसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, जितने बार रूट रहेंगे, कितने बार है, 3 बार है, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, उसे डाउन रख करता हूं, ठीक है। तो
तो देखिए अब हमने लिखा 7 × 7 × 10 times तक चलेगा, तो इसका बहुत ही सिंपल लॉजिक है, फॉर्मूला देख लीजिए कि 7 × 2 n − 1 / 2 n, बहुत ही इजी है। देखिए ये देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है आपको, लेकिन बहुत ही इजी है। वैसे इसका मैं और भी सिंपल करके बताता हूं आपको। अब यहां देखिए कि n है तो हमने ये लिया। अब आप कहेंगे सर जो अपन क्वेश्चन किए हैं उसी को जरा कर लेते हैं, तो हमने कितना लिया था, 3 तक कर लिया था ना, तो हम 3 तक लिया। यहां n कितना है, 3 है, रूट कितने बार है, 3 बार है, तो बेस तो वही रहेंगे 7 के पावर आप लिखिए 3 है, तो 2 के पावर 3 के मतलब कितना होता है, अभी तो बताया 8, 2 × 4 × 8, 2 × 4 × 8, ठीक है, तो ये हो गया जी 8 × 1/2 वही 8, मतलब 7 के पावर हो गए 7/8। अब यहां 7 की जगह पर कुछ भी हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा 7 की जगह पर 13 हो सकता है, क्लियर है। तो इसका एक बेस फॉर्मूला ये हो गया, अगर हम यहां पर a मान लेते हैं, ठीक है, कैपिटल लिख दिया हमने, स्मॉल लिखा गया, तो जो भी होंगे बेस, बेस के पावर ही बस ये ऐड होते चले जाएंगे। तो अब आप ना 2-4 क्वेश्चन, चलिए 3 क्वेश्चन तो ये है, 5, 3, 4, 5, 6 नंबर क्वेश्चन आप ये बताइए मुझे कि 13 और 13, इसका वैल्यू भी आप बताएंगे मुझे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अब कल से हम लोग एवरेज स्टार्ट करेंगे, बड़ा मजा आने वाला है, तो बने रहिए स्टडी निकेतन के साथ। नमस्कार।